जी सर, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी हार सामने देख करके बौखला गई है। वो अपनी हार का बहाना ढूंढ रही है। हार का ठीकरा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर और चुनाव आयोग पर थोपना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रही है। वो देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो, देश का चुनाव आयोग हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसी निष्पक्ष संस्था हो या देश की सेनाएं हो, इन सभी संस्थाओं के विरुद्ध एक अविश्वास का वातावरण बनाकर के, एक षड्यंत्र रच करके देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने इस नापाक इरादे में कभी भी सफल नहीं होगी। देश ने माननीय मोदी जी का 5 साल का शासन देखा है, बेदाग प्रशासन देखा है और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार देखी है। हम मुद्दों के ऊपर, विचारधारा पर, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी।